चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। एक घंटे की इस प्रमुख मुलाकात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश विकास के लिए चलाए जा रहे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी चर्चा की। दरअसल मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात करीबन एक घंटे तक चली। मुलाकात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर बने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप की जानकारी दी। इस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप सौंपा है। चुनाव में विजय के पश्चात पहली बार माननीय प्रधानमंत्री से मिला था, मध्य प्रदेश के विकास के बारे में, जन कल्याण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कोविड की स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और वैक्सीनेशन की जो तैयारी चल रही है उसमें कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, अनेकों प्रकार के विचार मेरे दिमाग में भी थे, हमने शेयर किए। जैसे कि जन जागरण अभियान ये भी चले कि बुजुर्ग या जो बीमार हैं या जिनको एक से ज्यादा बीमारी है, ये हमारे जो हेल्थ वर्कर है उनके साथ साथ पुलिस, रेवेन्यू और बाकी भी अमला जो इस काम में लगे रहते हैं उनको तो टीका लगे, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, विशेषकर यूथ, युवा, एक अभियान ये चले कि वो खुद स्वेच्छा से कहे कि हमें टीका अभी नहीं लगाया जाए, बाद में लगाया जाए। और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास, प्रगति और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा हुई है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा की। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्यवाही की भी जानकारी पीएम मोदी को दी गई। वैसे ही जहां भौगोलिक दृष्टि से संक्रमण ज्यादा है उन इलाकों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कोविड एक जैसा नहीं है, न देश में न हमारे प्रदेश में, कुछ जिलों में बिल्कुल नहीं, कुछ जिलों में बहुत है, जहाँ ज्यादा है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगर कोई कंपनी वैक्सीन बनाती है और पेटेंट करा लेती है तो हमने ये सुझाव दिया कि अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हमारी वैक्सीन के डोजेज चाहिए। एक कंपनी अगर न बना सके तो दूसरी कंपनी को भी उसी फार्मूले को बनाने का काम दिया जा सकता है। ऐसे अनेकों बिंदुओं पर बना। इसके साथ ही प्रदेश के नवीन योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गरीब कल्याण योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्व सहायता समूह का सशक्तिकरण और स्ट्रीट वेंडर जैसे ग्रामीण स्ट्रीट वेंडरों से जुड़ी योजनाओं के भी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करने की संभावना बनी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार समेत अन्य पदों पर भी भाजपा नेताओं की नियुक्ति हाईकमान के इशारे पर की जानी है। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की 10 मिनट की मुलाकात भी हुई थी।